राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति और छात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, ये पर्यायवाचक है। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति या राजधर्म की हमने परिभाषा वेदादि शास्त्र सम्मत इस प्रकार की है, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत माताओं से मेरा निवेदन है, मुझे बारंबार यह न कहना पड़े, हमारे बीच में सरस्वती जी का राजधानी रायपुर में आगमन हुआ है। मैं समझता हूँ ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, इतना बड़ा सर राजधानी रायपुर में आया है। वैसे भी हम लोग राजधानी रायपुर को भगवान राम के भांजे के रूप में मानते हैं और माता कौशल्या की नगरी के रूप में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है और आप सबको ये भी जानकारी लगातार मीडिया के माध्यम से हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि 16 जून को जो शंकराचार्य जी का जन्मदिन है, उस दिन रावा भाटा स्थित बंजारी माता के मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा बसंत अग्रवाल की अगुवाई में निकाली जाएगी, जिसमें 11,000 सिर पर कलश धारण करके जो शंकराचार्य वहाँ पर पहुँचने के बाद भगवान का और 12 बजे के बाद में शंकराचार्य जी का आशीर्वचन होगा। मैं समझ सभी जितने धर्म प्रेमी है, जितने सनातनी है, मैं आपके माध्यम से शिष्य परिकर हम सभी राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी सनातन धर्म के लोग, पूरे प्रदेश के लोग भाग लेंगे। 16 जून को रावा भाटा बंजारी धाम के आगे रावा भाटा स्थित श्री सुदर्शन संस्थान नाम करते हैं, बहुत निकट आने का प्रयास कोई न करें, नारायण पादुकाओं में ही आप सब प्रणाम निवेदन करके प्रसाद देते हुए क्रमशः आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरे उत्साह के साथ सब लोग जय घोष करें। हमारे हिंदू धर्म में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा गुरु जी का जो इसमें हमारा विचार होगा वो हम सुनेंगे।